हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिर से अपने एक नए व्लॉग के साथ आ चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है मेरे रूम की। सो इसको तो अभी मैंने सब सही करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि आज का व्लॉग मेरा है क्या बेसिकली। सो मेरा आज का जो व्लॉग है वो है जो हमारे ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं, हमारे नेबर्स और भैया भाभी बेसिकली, तो उनका हो गया ट्रांसफ़र। तो उनका ट्रांसफ़र है और वो लोग कल को जा रहे हैं, तो ये दिन उनका लोहागढ़ में आखिरी रात है। तो कि आखिरी रात को आज हम हसीन बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने उनके लिए एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, क्योंकि सब लोग बहुत काफ़ी बिजी थे अपने वर्क में, तो उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सबने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। अरेंज हमारी पार्टी में बेसिकली कुछ नहीं होता है खाने के अलावा और डांस के अलावा। सो पार्टी होने वाली है मेरे रूम पर, क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए हम छत पे पार्टी नहीं कर पा रहे और सबके रूम थोड़े छोटे हैं मेरे रूम के हिसाब से। तो अब मेरे रूम की हालत ये है, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ। वैसे अब मैं अपना डीजे लेके आ चुकी हूँ और ये सुनाती हूँ आपको गाने। अभी इस पे बज रहा है मेरा फेवरेट सॉन्ग जो कि है और दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। खाना सबका अलग अलग बन रहा है। चलो पहले हम मिल के आते हैं, लोगों से, ठीक है, कि कहाँ पे क्या बन रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ मेरे रूम को पाए बोलते हुए। कितना अंधेरा कर रखा है इन लोगों ने। मुझे कौन मिला है? ये देखिए, इनका सारा सामान पैक हो चुका है और ये इनकी आखिरी रात अपने रूम में यही है वो। बीबू क्या चल रहा है इधर, क्या कर रहे हैं? बुबू बू क्या कर रहे हैं? डंडा आ जा इधर, आ जा। गाइस यहाँ पे हमारी महिला मंडली नहीं है, हमारी महिला मंडली है गाइस यहाँ पे। मत कर यार, गाइस ये इनका रूम है और ये है हमारी वो हस्ती जो कल से नहीं बसेंगी हमारी बस्ती में, वो हस्ती जो कल से नहीं दिखेंगी हमारी बस्ती में। और ये है हमारे आज के कुक, जो कि आप हमारे व्लॉग में हर हमेशा देखते हैं कि यही हमारे कुक होते हैं। एंड ये मेरा पिछलग्गू एंड मेरे पीछे पीछे भाभी जी भी आ चुकी है। ये सब क्यों गई थी बाजार घूमने? क्या ढक्कन लाइए, पढ़ रहे हैं और हम चलते हैं। इनके साथ आज बहुत बुरा हुआ है गाइज, इनकी जो कमरे की लाइट है वो थोड़ा फ्यूज हो चुकी है। एंड यहाँ पे बन रही है, ये मेरा आइटम है गाइज पनीर। एंड ये देख सकते हैं आप किन का आइटम है, ये क्या बन रही है बताइए जरा। बिरयानी, चिकन बिरयानी, बिरयानी बन रही है, लगा नहीं है बट अब बाद में। ओके सो गाइस ये है चावल और ये इनका थोड़ा सा बिखरा हुआ किचन। हाँ मत दिखा, इनकी सासू माँ देख ले तो मजा ही आ जाएगा। हाँ दिखाना ही नहीं है। चलो गाइज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछना भूल गई थी। आप कल को जा रही हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, बहुत बुरा, मुझे रुलाओ। नंदा नंदा नो डंडा, वहाँ बात करने दो अभी। यस मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नची नची कहते नची नची आँखों से बाला नहीं जी हो रही है, क्या है गंदा हो रहा है ये गलियां ये चौबारा। आज गाइज ये डांस करेंगी ये गलिया ये चौबारा में। रोने लग गई, रोने लग गई वो, देखो भीगी पलके, भीगी पलके, कितना गंदा गंगा जमुना भाग गया। देखो ए पागल तुम भी, अरे याद करेगी ना रोएंगी तो। वैसे भी बेशरम पड़ोसी को देखो गाइस हंसता देखो। चलो हम तो चलो नीचे रहते हैं गाइस, याद रखो पड़ोसी है। बैठो, बैठो कहते आबू से भी कहते बैठो। ये इधर देखो भाभी, हेलो पहले डांसर्स आ चुकी है हमारी बुआ जी। टांगे तो इनकी काम की नहीं है गाइस, पर फिर भी ये आ रही है करने के लिए। किस पे करेगी?
बता गाना बता चलो नाचने के बाद अब खाने की बारी आ गई है एंड हमारे कुक साहब अब ये रायता प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इस पे हमारी बिरयानी इज फुली रेडी एंड ये रहा पनीर और हमारी तंदूरी रोटियां वो नीचे मिलेंगी। गाइस मैं मानी गई गाइस आ जाओ अब आप और सामान ले आ रहे ठीक है गाइस मैं भाग ये पूरा भगवाना भर के क्या ले जा रही हूँ बिरयानी लेके जा रही हूँ
बहुत बुरा हो गया ये देखो, फेयरवेल के केक का हादसा हो गया। ऐसे काटना पड़ेगा गाइस, मैंने बहुत बुरा कर दिया यहाँ पे। फेयरवेल टू यू, हैप्पी फेयरवेल टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना चाहता हूँ। आप ये पार्टी की फिनिशिंग लाइंस देते हुए, आप सब चुप हो देते हुए। मैं पहले तो सबको धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जीवन में आने के लिए। अब जैसा कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं भगवत गीता में विश्वास रखता हूँ और पढ़ता हूँ, उसको बहुत बार पढ़ी है मैंने। तो उसमें है कि जैसे प्रारब्ध होता है आदमी का, जो जी भी कहते हैं कर्म, मतलब कर्म और प्रभाव, ठीक है। तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे अपने जीवन में, ऐसे पहले वाले चल जाएंगे, जो कि मुझे ऐसा साथ मिला और ऐसे लोग मिले, ऐसे संबंध मिले, कुछ अच्छे ही करे होंगे तभी मिले मुझे। और ये 3 साल मेरे जीवन के बहुत बेहतरीन 3 साल थे, बेहतरीन भी नहीं, बेस्ट कहना चाहिए। अभी तक का मुझे ऐसा माहौल भी नहीं मिला था, और इट वॉज लाइक माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार से भी ज़्यादा था जो भी यहाँ पे था, जो भी सारे लोग थे, सबसे मैं प्रेम करता हूँ। और मतलब मैं उन्हें अपने हृदय से नहीं निकाल सकता, मैं अंदर से बहुत इमोशनल हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन रो नहीं सकता मैं, आंसू नहीं बहा सकता, एकदम से निकलते नहीं है, महिलाओं के तो निकल जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर रुदन है बहुत ज़्यादा ना, और मैं दुखी भी हूँ, ठीक है। मैं आज अवकाश लेने वाला था जो कि मुझे मिला नहीं, क्योंकि मंथ एंड था तो मुझे मिल नहीं पाया, और मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से, मैं यहीं बस जाना चाहता हूँ ना। मतलब एक गुलजार की एक नज्म है ना कि जिस हथेली पे पनाह मिले उसी हथेली पे घर बना लो। तो मुझे यहाँ पनाह मिली थी, जो मेरी रूह रही होगी या जो मेरी आत्मा रही होगी उसको, मतलब मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये ही मेरे लिए है, जो लोहा घाट है। हाँ मैं तो बिल्कुल मेरे शब्द हैं, मतलब मैं रहने के लिए। और यहाँ जो है ये जो फैमिली है, जोशी जी, नावेद भाई, हिमांशु, शिवानी, ये लोग सारे मतलब एक परिवार की तरह है। ऐसा इतना मैं घर में रहा, 22-23 साल में मेरी नौकरी लग गई थी, 25-26 साल के बाद मैंने घर मतलब छोड़ दिया था घोसला। तो उसके बाद अगर, और मैंने जॉब भी बहुत जगह करी है, एयरपोर्ट में रहा हूँ मैं, खटीमा में रहा हूँ, हल्द्वानी, देहरादून, सब जगह रहा हूँ, लेकिन ये जगह मुझे ऐसे लगी जैसे मैं यहीं के लिए बना हूँ। और इसमें मतलब इन लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज़बरदस्त था, और अब मुझे बता नहीं मतलब क्या बोलूँ ना, ये दुखदाई है या सुख वाला है मुझे पता नहीं है आगे का जीवन कैसा है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन चीज है। मेरे से दूर चीज है, और मुझे मोह हो रहा है, अटैचमेंट थोड़ा हो रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में आने के लिए। तुम लोगों के लिए मैंने कुछ अच्छा किया होगा तभी तुम लोग मेरे लाइफ में आए, मतलब बुरी चीज़ें होती हैं तो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, और मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी होंगी, जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंकिंग में, नावेद भाई समझते होंगे, कुछ वैसी चीज़ें होंगी इस वजह से आप लोग मेरी लाइफ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नावेद भाई सांची स्टेटमेंट क्या वो कह रहा है, सोचता था मेरी 2 बच्ची है, आज मेरे को 4 बच्चियां मिली और उनके साथ में जवाई जी तो फ्री में मिली। इतना प्यारा परिवार,
इतना प्यारा प्रभात, मैंने सोचा नहीं था प्रभात ने मुझे बिन मांगे दे दिया। दो बच्चों के साथ में चार बच्चियां मेरी, चार मेरे जमाई थी। मैं क्या कहूँ, मैं दिल से इतना गदगद हूँ। जो भी मेरे बच्चे यहाँ आए, प्यार से रहे और प्यार से रहेंगे, और आज के खड़े तारीफ करने की तो वो तो बहुत ही छोटे बात हो गई, उसको बात ही नहीं करते हैं। हमने एक परिवार के साथ रहे और परमात्मा आप भी बना के यहाँ आओगे जी। धन्यवाद। सो गाइस, हमने अपना कूड़ा फेंक दिया है और हम जा रहे हैं घूमने। एंड हमने अपने ये रोज के मम्मी डॉग भी खिला दिए हैं। मम्मी डॉग कह रही हूँ। हम थोड़ा सा घूम के आएंगे वहाँ तक। इतने दिनों में तो आज तक हम कभी शाम को निकले, रात को आए नहीं, और आज आखिरी दिन है। तो आज हम रात को 11 बजे रोड में निकले हैं घूमने के लिए। चलो आज हम इनको लोहागढ़ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करवा देते हैं थोड़ी सी अपनी रोड। कल तो मैं अपनी माइक के चले जाऊंगी। ए यहाँ भी पड़ी रही वही रुकली तुम दूर वाली। ठीक है फिर गाइस, हम अपने ये लास्ट ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे अभी हम कल को आपको मिलेंगे हमारे रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में। सो ओके बाय। विदाई इसमें थोड़ी बहुत हो गया, बाकी कल को होगी थोड़ी और विदाई। सो गाइस प्लीज डू लाइक, मैं पैसे दे दूंगी फिर भी तुम। सो गाइस प्लीज डू लाइक शेयर पैसे शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।